आप सभी को जय मसीह की, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो अब हम कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम नीति वचन पढ़ा करें, जिसमें कि नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, तरक्की, उन्नति, भरपूरी, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बढ़ने की बातें, उठने की बातें और भेद की बातें, गुप्त बातें, किस समय में क्या चुनाव करना चाहिए, शत्रु से कैसे बचना चाहिए, किस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमें किस तरीके से कब कब किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखलाई हैं, समझाई हैं। एक बिजनेस कैसे करना है, आशीष कैसे पानी है, क्षमा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, आज्ञा पालन कैसे करना है और दया कैसे करनी है, अच्छी जीवन को कैसे पाना है, पवित्र जीवन में कैसे चलना है, किन बातों से बच के रहना है, किन बातों को आज्ञा पालन हमें किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए, मतलब वो सब कुछ जो एक मनुष्य की जरूरत है इस जीवन को जीने के लिए, रोजमर्रा के काम है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या मुंह से बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, गलत विश्वास दिखा रहे हैं या अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्या खो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कौन सा दंड आ सकता है, और अगर हम अच्छा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं और वचन, शिक्षा, आज्ञावरण, वो सब कुछ कर रहे जो प्रभु चाहते, तो उसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेगी, हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी, संपूर्णता में परमेश्वर की संपूर्ण होने के लिए ना ये नीति वचन हम सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना एक एक चैप्टर पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड है और खुदावन हमसे बात करेगा, खुदा ने हमसे बहुत बात करी, हमें करेक्शन भी दी है, परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा किस परिस्थिति में हमें क्या, कैसे, कब, किस तरीके से, कब क्यों करना चाहिए। अगर हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, अगर हम कहीं जो कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है, परमेश्वर हमसे बात करता है और बात करेगा। नीति वचन हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दिन में एक अध्याय। और हाँ, आप इस नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब आप हमसे बात करेगा तो इस नीति वचन के द्वारा हम अपने आप को तरक्की, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों में, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को उठता बढ़ता हुआ, तरक्की, उन्नति में, अपने बदलाव को होता हुआ देखेंगे हम, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हम हैरान होंगे परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनाएगा, क्योंकि हमारे चुनाव जो होंगे वो वचन के द्वारा होने पाएंगे और वो वचन हमें कब, किस तरीके से, कैसे करना है, वो वचन हमें बताए जाएंगे नीति वचन के द्वारा, बहुत से ऐसे वचन। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। नीति वचन 15 अध्याय पहली आयत से, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबलाती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। शांति देने वाली बात जीवन का वृक्ष है परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है परंतु जो डांट को मानता है वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा को घृणा आती है परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चालचलन से यहोवा को घृणा आती है परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वह प्रेम रखता है। जो मार्ग को छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है और जो डांट से बैर रखता है वह अवश्य मर जाता है। जबकि अधलोक और विनाशलोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं तो निश्चय है कि मनुष्य के मन भी। ठट्ठा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता और ना वह बुद्धिमानों के पास जाता है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझ वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में सागपात का भोजन अच्छा होता है, बैल वाले घर में पले हुए बैल के मांस खाने से भी ज़्यादा उत्तम है। मतलब प्रभु बता रहा है जिस घर में प्यार प्रेम है ना उस घर में सिंपल दाल रोटी भी अच्छी है। किससे अच्छी है? जो है तो बहुत धनवान लेकिन उनके घर में लड़ाई दंगा है, चाहे वो पले हुए भैंस का मांस खा रहे हैं, चाहे वो किसी का भी मांस खा रहे हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है। लेकिन प्यार वाले घर में सूखी सूखी दाल रोटी भी बहुत अच्छी उत्तम है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमे को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रूंधा हुआ होता है परंतु
सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पिता अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूर्ता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना संपत्ति की कल्पना निष्फल हुआ करती हैं, परंतु ध्यान से सुनना, लिखा है बिना संपत्ति की कल्पना निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही बहुमूल्य भला होता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। इस रीति से वैधलोक में पड़ने से बच जाता है। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है, परंतु और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट हो जाती हैं। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है, वह अपने प्राणों को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है, वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और इज्जत मान सम्मान पाने से पहले नम्रता आती है। प्रभु आप सभी को आशीष दें।